हाय, आज हम बात करेंगे फेस रीडिंग की। कैसे हम फेस रीडिंग से कुछ फेशियल एक्सप्रेशन देखकर जान पाते हैं कि एक पर्सन का पर्सनैलिटी क्या है। आज एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आईब्रोज का। एक आईब्रोज की शेप से, उसके हेयर के टेक्सचर से, क्या आईब्रोज का कितनी थिन है, कितनी थिक है, क्या वो बहुत बुशी है, हम ये जान पाते हैं कि एक पर्सन का प्लानिंग, मैनेजमेंट और एक्शन कैसा है। ये पूरी आईब्रोज को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट मिडिल वाला, और ये थर्ड पार्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट है वो बताता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है, आप चीज़ों को क्या, कितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, क्या प्लानिंग आप कर सकते हैं वो, अगर आपके यहाँ के बाल प्रॉपर अच्छी शेप में हैं, थिक हैं, टेक्स्चर भी अच्छा है तो आपकी प्लानिंग अच्छी है। आपका मिडिल पार्ट बताता है यहाँ से आपके मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में, कि अगर आपको कोई चीज़ प्लान, एक स्ट्रैटेजी प्लान करके दे दी और आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हाउ डू यू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर प्लानिंग। नेक्स्ट इज द एक्शन, थर्ड पार्ट। अगर आपका यहाँ तक भी बालों का ग्रोथ अच्छा है तो आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। आपको कोई भी टास्क दे दिया जाए, कुछ लोग सिर्फ यहाँ पर अगर बाल हैं, यहाँ पर कम हैं, तो बिना प्लान करे, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन कर डालते हैं। तो इस तरह से हमने जाना आईब्रोज के बारे में।